चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज के 31वें वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलपति को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा बनाए गए पेंटिंग प्रदर्शनी को भी देखा और छात्राओं का मनोबल भी बढ़ाया। वहीं अकादमी स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि पाने वाली छात्राओं को स्मृति स्वर्ण पदक एवं 1001 रुपए नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्रवक्तागण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरडी पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा मिश्रा एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा। वास्तव में माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना ना तो इंसान विद्या हासिल कर सकता है और ना ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। जो माँ की विशिष्ट अतिथि महोदय का बैच प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। स्वागत की इस उनसठ 59% अंक प्राप्त किया है इन्होंने, जिन्हें स्वर्गीय आ जाए कृपया।
महाविद्यालय में आज 31वां वार्षिक उत्सव और अलंकरण समारोह आयोजित है। वर्ष भर हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, तो बच्चों को जो है उसमें प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए आज ये आयोजन किया गया है। मैम, किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजेश सिंह, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, आज आमंत्रित हैं और इस समय उपस्थित भी हैं महाविद्यालय में कार्यक्रम में। एनुअल फंक्शन में आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत पुराना कॉलेज है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा हर तरह का सहयोग रहेगा, जो भी खासकर महिलाओं के शिक्षा के लिए मैं हमेशा सेंसिटिव रहा हूँ और मैं जरूर से ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करूँगा। जब भी मुझे मौका लगेगा इसका बढ़ावा दूँगा। धन्यवाद।